हेलो पीपल, इट्स मीशान। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फाइनली शमशेरा ऑफिशियल ट्रेलर इज हियर। अभी एक दिन पहले ही मैंने टीजर पे वीडियो बनाई थी, ट्रेलर इतनी जल्दी आ गया इसका। टीजर मुझे ठीक ठीक लगा था, कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा था, बट आई हैव रियली हाई होप्स फ्रॉम द ट्रेलर क्योंकि इट्स रणबीर कपूर वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स वानी कपूर, संजय दत्त द एज द यू नो एंटेगनिस्ट। सो मज़ा आने वाला है इसमें। इट इज़ अ लॉन्ग ट्रेलर, 3 मिनट का ट्रेलर है ये। सो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए, लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द ट्रेलर एंड देन वील टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट। सो इससे पहले अगर आप लोगों ने टीजर वाली वीडियो नहीं देखी, मैंने उसके बारे में कुछ बात करी थी, सो आई वॉन्ट बी रिपीटिंग माई सेल्फ। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज क्लिक हियर एंड वॉच द टीजर वाला वीडियो फर्स्ट एंड देन यू कैन वॉच दिस वन। सो चलिए देखते हैं शमशेरा ऑफिशियल ट्रेलर। हियर वी गो। ये कहानी है उसकी जो कहता था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती और आजादी तुम्हें कोई देता नहीं, आजादी छीननी पड़ती है। ये कहानी है शमशेरा की। बात बता खुशूरी, ये बात तो बचपन से सुन के जवान हुआ हूं मैं। डबल रोल। चलो बता, तुम सब खमेरन और मैं कौन? तुम्हारे काजा में कोई नया नगा भी लुटे रहा है? त्योहार शादी ब्याह कुछ नहीं छोड़ा उसे। ये खिचड़ी कहाँ चली जा रही? शमशेरा कहाँ से लौट आया? हमारा टीला आराम कर रखा है साहब, आप ही हमें जंगल से मुक्ति दिला सकते साहब। इंडियन टेंट ओनली इंडियन हैंड कैन क्लीन, व्हाइट हैंड कैन ब्लैक सर। तेरी माँ का मुकुट क्वीन क्राउन सर। Cool, yeah, very interesting. I like this very, very much in comparison to the teaser. जो teaser था वो बहुत ज़्यादा heavy था, बहुत ज़्यादा average था. Trailer is way, way superior, and I'm actually, you know, liking the whole vibe that it's giving me. Very interesting. Seems like very entertaining. VFX also looks nice. Best तो नहीं कहूँगा, obviously they are not best. Come on, who are we kidding? लेकिन it looks okay. In this trailer, it looks okay. I mean, I wouldn't mind. Action sequences look really very nice. And बस एक छोटी सी मेरी complaint है, वो ये है कि I don't think they should have spoiled this double role वाला to be a father son thing. कुछ ऐसा रहता कि कुछ थोड़ा सा you know कुछ एक reveal रहना चाहिए था ये मेरे हिसाब से. ये trailer में नहीं दिखाना चाहिए था. I think they showed way too much. मुझे लगता है थोड़ा सा छुपा के रखते कि यू नो ये डबल रोल है क्या है, कुछ ऐसा कुछ हाइप बना के रखते, बट दिखा दिया कि हाँ ये फादर है ये सन है, उसमें उनका ब्लड चल रहा है तो वो शमशेरा के नाम से अब यू नो चोरी वोरी कर रहा है.
एंड बट ठीक है इट इज वॉट इट इज बट मेरे हिसाब से वो रिवील रखना चाहिए था. अगर हम डायरेक्टली ये मूवी में देखते तो इट वुड हैव बीन अ रियली यू नो अमेजिंग रिवील काइंड ऑफ अ थिंग. बहुत यू नो एक जबरदस्त एक्सपीरियंस होता. बट नाउ वी ऑलरेडी नो कि हाँ डबल रोल है एंड वो फादर सन वाला हिसाब किताब है. बट ठीक है संजय दत्त इज लुकिंग एक्सेप्शनली वेल. आई मीन ही इज प्लेइंग अ विलन एंड ही इज लुकिंग लाइक अ विलन. वो उसके चेहरे पे वो इवलनेस है उसके बॉडी लैंग्वेज में द वे ही इज टॉकिंग द वे ही इज लाफिंग द वे ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश जिस तरीके से वो यू नो मार रहा है लोगों को ही इज एंजॉयिंग इट. ही इज एंजॉयिंग इट. संजय दत्त इतना जबरदस्त विलन बनता है ना. अग्निपथ में संजय दत्त डिड रियली वेरी वेल. यू वॉच हिम इन KGF यू नो. अब इसमें संजय दत्त इज रीडिफाइनिंग विलन मैन. ही इज रियली अमेजिंग एज अ विलन. एंड रणबीर कपूर आई हैव होप्स विद दिस वन. मैंने टीजर के टाइम पे बोला था दैट ये मुझे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की वाइब दे रहा है. ये ट्रेलर देखने के बाद ये मुझे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की वाइब नहीं दे रहा. आई फील लाइक दैट आई कैन एक्चुअली एंजॉय इट. आई विल एक्चुअली एंजॉय इट ऐसा मुझे फील आ रहा है. एंड नॉट श्योर मच अबाउट वाणी कपूर की वाणी कपूर का ट्रेलर से लग रहा है जैसे थोड़ा बहुत रोल होगा इसमें. बट आई रियली वॉन्ट समथिंग मोर देन जस्ट यू नो अ फ्यू डांस सिक्वेंसेज या छोटा सा रोल. जैसे वाणी कपूर का रोल था वॉर मूवी में. इट वॉज लाइक आया चला गया खत्म दैट्स इट. आई मीन वॉट वॉज इट रियली. सो आई रियली होप कि इसमें ऐसा ना हो कुछ ऐसा कुछ यू नो एक लिजिट रोल लाइक कुछ जिसकी वैल्यू हो कुछ स्टोरी ड्रिवन हो ऐसा कुछ कई कैरेक्टर हो वाणी का तो मजा है थोड़ा. लेकिन ऑब्वियसली द मेन हाईलाइट ऑफ दिस मूवी इज गोइंग टू बी संजय दत्त वर्सेज रणबीर कपूर. दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी. एंड आई डोंट माइंड द बैकग्राउंड म्यूजिक लुक्स एपिक. दैट ट्रेन वाला सीक्वेंस जो फाइटिंग वगैरह चल रही है उसमें दैट लुक्स रियली एपिक. There are few moments in this trailer जिसमें मुझे लग रहा है कि यार मुझे ये भी देखना है ये भी देखना है ये भी देखना है ये भी देखना है. And I think that you know qualifies as a good movie. I really love the trailer. मुझे बहुत पसंद आया. But आप मुझे बताइए what are your thoughts. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में. जो director है करण मल्होत्रा I don't have 100% faith on him to be very honest. क्योंकि this is the third movie right. So he does not have that much of experience. लेकिन इस trailer के बाद ये trailer देखने के बाद I am a little impressed. So maybe just maybe he might surprise me. I don't know. But I'm really looking forward to this one. Aap mujhe bataiye your thoughts. Do you guys agree with me? Disagree with me? Kuch ya kuch aisa jo maine miss kar diya ho. Please do let me know in the comments down below. Ye video ko pasand aaye to please like kariye is video ko. Agar aap is video ko aur dekhna chahte hain to please subscribe kariye channel ko. If you want you can follow me on Facebook, Instagram wagera wagera sare social media. So all of the links are mentioned in the description box down below. And mere paas ek dusra channel hai jo ek gaming channel hai. And right now I'm playing God of War PlayStation 5 pe. सो विथ फेस कैम. सो आप मुझे भी देख सकते हैं वो गेम खेलते हुए. सो अगर आप इंटरेस्टेड है वैसे गेम प्ले वॉक थ्रूज काइंड ऑफ वीडियोज के लिए तो उस चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. डू चेक इट आउट. एंड दैट्स इट. जल्दी मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय. टेक केयर एंड स्टे सेफ.